हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। ऑटोकैड की बेसिक सीरीज है ये। चैनल पे मैं कई सारे सॉफ्टवेयर सिखाती हूँ, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, सीरी, फोटोशॉप, स्केचअप। इन फ्यूचर मैं रेविट भी ऐड करने वाली हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑटोकैड में रेक्टेंगल कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं। रेक्टेंगल का शॉर्टकट है REC, एंटर, या फिर हम लोग उसको यहाँ से भी लिख सकते हैं रेक्टेंगल। एक पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर दिया, रेक्टेंगल बन गया। बट ये रेक्टेंगल बिना किसी प्रॉपर्टीज के बना है। अगर मुझे रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज के साथ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? REC एंटर किया, फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन है चैम्फर, फिलेट, थिकनेस और वगैरह वगैरह। पहले हम लोग चैम्फर लेते हैं, वैल्यू देते हैं इसकी 2x2। चैम्फर हमें दो बार देना है, दो बार वैल्यूज देनी है। अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा, अभी मुझे यहाँ क्लिक नहीं करना है। अगर मुझे डायमेंशन देनी है तो यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करना है। फिर अभी मैंने लेंथ दे दी, अब मैंने विड्थ दे दी, तो यहाँ पे ये शेप बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अभी मुझे REC एंटर किया मैंने, अभी मैं फिलेट लेती हूँ। फिलेट पे क्लिक किया और वैल्यू दे दी 2। यहाँ पे क्लिक किया, डायमेंशन दे दी। अगर डायमेंशन नहीं दूंगी, ऐसे क्लिक कर दूंगी तो रैंडम बन जाएगा। अभी देखो ये जो रेक्टेंगल मैंने लिया था बिना किसी प्रॉपर्टीज के, तो ये प्लेन रेक्टेंगल था। मैंने चैम्फर लिया तो ये ऐसे एजेस आए इसके। ठीक है, फिलेट लिया मैंने तो ये ऐसे है। फिलेट में हम लोगों को रेडियस देनी होती है। एक बार वापस देखो, REC एंटर किया, फिलेट पे क्लिक किया, या फिर मैं F एंटर भी कर सकती हूँ। चैम्फर के लिए CHA एंटर कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने फिलेट के लिए F एंटर किया और रेडियस दे दी 2, और तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, फिर अभी REC एंटर किया और अब मैं लेती हूँ विथ। विथ लिया मैंने और 1 वैल्यू दे दिया, तो ये थिकनेस आ गई। ओके, अभी मुझे रेक्टेंगल प्रॉपर वापस वैसे ही चाहिए, तो अभी मैंने जो जो वैल्यू दी है तो यहाँ पे उसको मैं 0 कर दूंगी। फिर अभी यहाँ पे देखो क्लिक किया, आपने नॉर्मल रेक्टेंगल आ गया। REC में हमारे और कुछ ऑप्शंस बचे थे। अभी जैसे एलिवेशन लिया मैंने, वैल्यू दे दी 3। अभी मैं इसको देखूंगी तो विदाउट साइज और कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो डायमेंशन से होता है, तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस हमें कहाँ दिखेगा? ये जो टॉप व्यू है ना, यहाँ पे क्लिक करो फ्रंट व्यू में। अब ये देखो, ये जो रेक्टेंगल है बाकी रेक्टेंगल से अलग है, क्योंकि ये एलिवेशन पे है, 3 के एलिवेशन पे है, इसलिए अलग है। तो एलिवेशन का यूज रेक्टेंगल में ये होता है। ठीक है, वापस हम जाते हैं टॉप व्यू में। अभी हमने लिया REC एंटर वापस, और इस बार हम लोग थिकनेस लेते हैं। इसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ 4। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस शेप का डिफरेंस है, वो तो मैं वैसे भी क्लिक करके बना सकती हूँ, मतलब विजुअल डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो भी डिफरेंस है ना, इसका भी जो डिफरेंस, वो फ्रंट व्यू या लेफ्ट राइट उससे दिखेगा। अब ये देखो, ये जो रेक्टेंगल है वो प्लेन है ना, थिकनेस नहीं है इसमें। इसमें देखो ये थिकनेस आ गई, ये जो जैसे एलिवेशन और ये थिकनेस है, ये ऐसे में दिखेगा, फ्रंट में दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा, पर्सपेक्टिव में दिखेगा। तो इसलिए हम लोग इसको वापस से टॉप में आ जाते हैं। इतना हमारा रेक्टेंगल हो गया, होपफुली समझ में आया रहेगा। REC एंटर किया, फिर अभी देखो ये सब हो गया। अभी यहाँ पे क्लिक किया, डायमेंशन भी हमने देख लिया। डायमेंशन हम लोग पहले लेंथ देते हैं और फिर विड्थ देते हैं, और हमारा डायमेंशन, हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, फिर जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है पॉइंट लेने के बाद, एरिया, इसमें हम लोगों को पहले एरिया देना होता है। जो भी एरिया लेने, ले लिया एंटर, फिर लेंथ विड्थ में से एक चीज़ देनी है। सपोज मैंने 4 दे दिया, तो अब ये ऐसा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, मेनली यूज़ होता है वो डायमेंशन यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ वो इजी होता है। ठीक, तो हम लोग मोस्टली डायमेंशन ही यूज़ करते हैं, एरिया का यूज़ बहुत ही कम होता है। फिर REC एंटर किया, फिर एक पॉइंट लिया, फिर अभी मेरे पास जो ऑप्शन है रोटेशन का, रोटेशन पे क्लिक किया, तो ये जो रेक्टेंगल है ना, उसको मैं एक किसी भी एंगल पे बना सकती हूँ। अभी सपोज मैंने 45 टाइप कर दिया, तो अभी ये रेक्टेंगल बन रहा है। अभी मैं यहाँ पे डायमेंशन लेके 20 और 40 दे दूँ, तो अभी ऐसे रोटेटेड में बनेगा। ओके, क्लियर है? तो होपफुली समझ में आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। अगर नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, क्रॉस कल्चर, इंटरनेशनल रोमांस हो विथ के पॉप, तो ये नॉवल ट्राई कर सकते हो। ये नॉवल के फ्यू चैप्टर्स अमेज़ॉन पे फ्री हैं,
और अगर पूरी नॉवल फ्री में है पढ़ना चाहते तो किंडल पे ये नॉवल पूरी नॉवल फ्री में है। अगर किंडल का सब्सक्रिप्शन नहीं भी है तो भी उसका जो ट्रायल पीरियड होता है वो फ्री होता है, तो ट्राई कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।